प्रयाग नगरी राज में देर रात तक आयोजन हुए रास गरबा में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। नगर में रानी धर्मशाला में आयोजित 3 दिवसीय रास गरबा में धार्मिक आस्था के साथ छत्तीसगढ़ की पारंपरिक लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली। माता के भक्ति गीतों में महिलाओं और लड़कियों ने छत्तीसगढ़ी वेशभूषा धारण करके प्रदेश की संस्कृति को सहेजने का मिसाल कायम किया। प्रतिवर्षानुसार आयोजित होने वाले इस आयोजन में राज्यों के नागरिकों को महत्वपूर्ण योगदान देने के साथ ही ISBM यूनिवर्सिटी और सुरान एक्सप्रेस की मीडिया पार्टनर होने का विशेष योगदान है। 5 अक्टूबर को समापन होने वाले समारोह के मुख्य अतिथि राजम विधायक अमितेश शुक्ल और सुराज एक्सप्रेस के डायरेक्टर नमित जैन प्रमुख रूप से मौजूद रहेंगे। हमन ल बहुत मजा आवत है, हमन सब मिलके गरबा करत हन और हमार संस्कृति ल आगे बढ़ाया जाते, मतलब कि छत्तीसगढ़ी गेटअप में हमन आए हन और यहाँ के थीम ही है लोक गरबा करके। यहाँ पहले बार आयोजन हुआ की और उसके नहीं और भी हो चुका है और राजिम में लोक गरबा के आयोजन कराए गए हैं। बहुत 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 मजा आते हैं यहाँ राजिम के अलावा आसपास गांव और रायपुर गरियाबंद और जहाँ तक के भी हमारे यहाँ कार्यक्रम के न्यूज पहुँचे है हर कोई यहाँ है, दूर दूर से आए और बहुत मजा आते। जैसे कि आपने देखा तो हम छत्तीसगढ़ी गेटअप में हन और हमारे ये लोक गरबा के लिए स्पेशली माई के भुवन हम लोग जैसे कि यहाँ सब रिमिक्स गाना ही चलते, जैसे सीडी चल रहा है अपने छत्तीसगढ़ का, इसका नाम ही है छत्तीसगढ़ी लोक झांझर, तो इसलिए यहाँ सीजी गाना भी चलता है। फर्स्ट डे सुआ नृत्य भी हुआ, उसके बाद अब ये भी मतलब कि गरबा जो सॉन्ग होता है उसमें भी डांस करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से फिलहाल